लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन ताइचुन के पास आया था और अब सावचेन ताइचुन से कहता है कि तुमने मुझसे पहले हेल्प मांगी थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो तुम खुद बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम बस आयरन ब्लड सेक्ट को लीड करते हुए मुझे ज्वाइन करो। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि क्या तुमने मुझसे कहा कि मैं आयरन ब्लड सेक्ट को लीड करूं। जिस पर सावचेन कहता है कि हां, मैं बिल्कुल यही कह रहा था। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आयरन ब्लड सेक्ट केवल मेरे फादर के ऑर्डर्स को फॉलो किया करते हैं और मैं अकेला उन सबको लीड नहीं कर सकता। जिस पर सावचेन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आयरन ब्लड सेक्ट के सारे लोग बस तुम्हारे फादर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि आयरन ब्लड सेक्ट कितना ज्यादा निर्दयी है ये सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयरन ब्लड सेक्ट के बहुत से फाइटर इस सेक्ट से निकलना चाहते हैं। और फिर सावचेन कहता है कि ताइचुन, अगर तुम्हें सच में अपनी आजादी चाहिए तो अभी के लिए तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और अब ताइचुन पूछता है कि हमारे जीतने के चांस कितने परसेंट है। जिस पर सावचेन कहता है कि पूरे 100%। और अब इतना सुनते ही ताइचुन कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और अब सावचेन ताइचुन के कान में बताता है कि उसे आगे अब क्या करना है। और अब सावचेन वहाँ से जाते हुए ताइचुन से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और अब ताइचुन सावचेन के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार वो मुझ पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विंजी रीजन के माउंटेन में जाओ फैमिली के सारे सैनिक पहुँच चुके होते हैं और उनके साथ बाकी सेक्ट के भी सैनिक मौजूद थे। और अब जिनबा मास्टर जाओ से कहता है कि अगर उस सावचेन ने भी कोई योजना बनाई होगी तब फिर हम क्या करेंगे। जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि भला हमारे इतने सैनिकों के सामने सावचेन की कौन सी योजना टिकने वाली है, क्योंकि हमारे साथ लगभग 40 सेक्ट खड़े हैं और अगर मैं सिर्फ डिवाइन रियलम के कल्टीवेटर्स की बात करूं तो उनकी संख्या लगभग 100 से भी ज्यादा है। और अब अगर कोई क्लैनिया सेक्ट सावचेन की हेल्प भी करता है तो फिर भी सावचेन पूरी तरह से हेल्पलेस है, क्योंकि हमारे पास जिनू रियलम की सबसे बड़ी मैन फोर्स है। और अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ताइचुन के फादर भी अपनी सेना लेके आ जाते हैं और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि सावचेन आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है। और अब ताइचुन के फादर को देखने के बाद मास्टर जाओ कहते हैं कि ये लो, मास्टर ताई भी आ चुके हैं। और अब जिनबाओ कहते हैं कि सारे लोग तो पहुंच चुके हैं लेकिन वो सावचेन अभी तक क्यों नहीं आया। और अब तभी एक शानदार एंट्री के साथ सावचेन भी वहाँ पे पहुंच जाता है और अब धीरे धीरे सावचेन के सपोर्टर्स भी वहाँ पे आने लगते हैं। और अब सावचेन के साइड के सारे लोगों को देखने के बाद मास्टर जाओ और मास्टर ताई हंसते हुए कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ही कम है। और फिर मास्टर जाओ और बाकी लोग कहने लगते हैं कि सावचेन, हमने सोचा था कि तुम थोड़े ज्यादा आदमी लेके आओगे लेकिन तुमने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया। और अब जियांग चुन मास्टर जाओ की सेना को देखने के बाद सावचेन से कहता है कि बॉस, वो लोग कितने ज्यादा है, क्या आप सच में श्योर है कि हम लोग ये कर लेंगे। जिस पर सावचेन अपने स्टाइल में कहता है कि ये तो मैटर ही नहीं करता कि वो लोग कितने ज्यादा है, क्योंकि हम उन सबको मार देंगे। और अब मास्टर जाओ सावचेन से कहता है कि सावचेन, क्या तुम इतने ही लोगों को लेके आ पाए। जिस पर सावचेन कहता है कि रुको, जरा सबर करो। और अब सावचेन कितना कहते ही हम देखते हैं कि सावचेन की बाकी ही फौज आने लगती है, जिसमें सबसे पहले चुंगफिंग पार्लर के मास्टर अपनी सेना को लेके आए हुए थे। और फिर चुंगफिंग पार्लर के मास्टर सावचेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर सॉरी, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और अब चुंगफिंग पार्लर के मास्टर को देखने के बाद मास्टर जाओ कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये सावचेन हमारी सेना को देखने के बाद भी क्यों नहीं डर रहा था। और अब मास्टर जाओ चुंगफिंग पार्लर के मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा चुंगफिंग पार्लर अभी फाइनेंशियली ब्रेक हो चुका है और इसीलिए तुमने दूसरों के अंडर भी काम करना शुरू कर दिया। और अब फिर मास्टर जाओ कहता है कि सावचेन, भले ही चुंगफिंग पार्लर भी तुम्हारे साथ हो लेकिन आज तुम्हारे भाग्य में मौत है और इसे तुम किसी की भी हेल्प लेके नहीं टाल सकते। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम बस अपनी आंखों को खुली रखना क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर फेंग भी अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर वो सावचेन को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैंने इस बार कम से कम 1000 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को ट्रेन किया है और जिसकी वजह से वो सारे कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर बन चुके हैं और वो आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस पर सावचेन कहता है कि एल्डर फेंग, मैं सच में तुम्हारे वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ और तुमने मेरी सोच से भी बढ़ के काम किया है। और तभी हम देखते हैं कि वांगयान भी अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पे आ जाता है और फिर वो सावचेन से कहता है कि मास्टर, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और अब वहाँ पे वांग फैमिली को देखने के बाद मास्टर जाओ कहते हैं कि अच्छा, इस सावचेन ने वांग फैमिली को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। और अब फाइनली सावचेन कहता है कि इतने लोग काफी हैं इस पूरे जिनू रियलम को जीतने के लिए। और फिर सावचेन कहता है कि जाओ जिंगसी, क्या तुम तैयार हो। और अब इतना सुनते ही मास्टर जाओ अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कह देते हैं और अब फाइनली दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और अब फाइट के शुरू होते ही टीम सावचेन के लोग अपना अपना कहर ढाना शुरू कर देते हैं। और अब इधर मास्टर जाओ, मास्टर ताई और जिनबाओ मिलकर सावचेन को घेर लेते हैं और फिर मास्टर जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि सावचेन को खत्म करो। और इतना कहते वो अपने हेवनली फिंगर से सावचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और इधर जिनबाओ अपने गोल्ड सीलिंग टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से सावचेन का पैर वहीं पे फंस जाता है। और इधर मास्टर ताई अपने मार्शल स्प्रिट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो अपने राक्षस ब्लड स्वॉर्ड का यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन तीनों मास्टर का अटैक सावचेन की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तभी एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए ब्लैकी सावचेन के आगे आ जाता है और फिर ब्लैकी उन तीनों मास्टर के अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर ब्लैकी कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। और अब ये देखने के बाद मास्टर ताई और जिनबाओ कहता है कि आखिरकार ये है क्या। और अब मास्टर जाओ अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले इस बीस्ट को खत्म करो। और अब इतना सुनते ही सारे लोग चारों तरफ से ब्लैकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब काफी ज्यादा अटैक होने के बावजूद भी ब्लैकी कोई खरोंच तक नहीं आती है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि इस बीस्ट को ऐसे ही बिजी बनाए रखो। और अब मास्टर जाओ दोनों मास्टर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस सावचेन को खत्म कर दो। और अब ये
के कहने के बाद वो तीनों मास्टर अपने अपने फुल पोटेंशियल में आने लगते हैं। और अब उनके अटैक्स देखने के बाद सावशन कहता है कि ये सारे अटैक तो अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल है। और अब मास्टर जाओ सावशन से कहते हैं कि सावशन अब तुम नर्क में जाओ। और अब इतना कहते हैं मास्टर जाओ अपने हेवनली गॉड सोकिंग फिस्ट, जिन बाव अपने 8 डायरेक्शन ट्रैप और मास्टर ताई अपने डिमोनिक ब्लड स्वॉर्ड का एक साथ सावशन के ऊपर अटैक करते हैं। और अब इन तीनों अटैक को अपनी ओर आते देख के सावशन तुरंत अपने एंशिएंट वेलर को एक्टिव कर देता है और इसके साथ ही वो अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड फॉर्म को यूज कर देता है। और अब हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड फॉर्म के कारण उन लोगों का अटैक उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों मास्टर अपने ही अटैक का शिकार हो जाते हैं। और इन पावर्स के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब सावशन बताता है कि हेवनली डेजर्ट फिश का थर्ड फॉर्म एनिमी के अटैक को उनकी ही ओर रिफ्लेक्ट करके भेज देता है, लेकिन चूंकि अभी मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं हूँ इसीलिए मैं अभी इस मूव के फुल पावर का यूज नहीं कर सकता। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वो तीनों मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। और अब मास्टर जाओ कहता है कि मेरे ख्याल से हम तीनों मिलकर सावशन को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर मास्टर जाओ कहता है कि सावशन तुम टेंशन मत लो, हमारे पास 100 से भी ज्यादा डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स और एल्डर्स मौजूद हैं। और अब मास्टर जाओ के इतना कहते हैं हम देखते हैं कि वो सारे एल्डर्स मिलके सावशन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। और अब इतने सारे डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स को देखने के बाद ब्लैकी को भी समझ में आ जाता है कि सावशन अब खतरे में है। और फिर ब्लैकी भागते हुए सावशन को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन बाकी के वॉरियर्स ब्लैकी को सावशन के पास जाने से किसी तरह रोकने लगते हैं। और अब 100 से भी ज्यादा डिवाइन रिलम्स के कल्टीवेटर्स मिलके एक फॉर्मेशन बना के सावशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब एक साथ इतने सारे डिवाइन रिलम्स के कल्टीवेटर की अटैक की वजह से सावशन भी अब अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर मास्टर जाओ हंसते हुए कहते हैं कि सावशन देखो बिल्कुल तुम इसी तरह मरने वाले हो। और ये फॉर्मेशन 100 से भी ज्यादा डिवाइन रिलम्स के कल्टीवेटर्स का है और इस फॉर्मेशन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। और अब ये सुनने के बाद सावशन भी फुल जोश में खड़े होते हुए कहता है कि तो फिर दिखाओ कि आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो। और अब इतना सुनते ही वो सारे डिवाइन रिलम्स के कल्टीवेटर एक साथ अपने फॉर्मेशन वाले अटैक को सावशन के ऊपर कर देता है। और अब इतने पावरफुल अटैक को देखने के बाद सावशन के साइड में जितने भी लोग थे उन सब की सांसें थम सी जाती है और अब वो अटैक जाके सीधे सावशन को लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। और अब इस अटैक के लगते ही सारे लोग बस सावशन के बारे में ही सोच रहे होते हैं, स्पेशली जियांग चुन जो कह रहा होता है कि बॉस क्या आप ठीक हैं। और अब हम सावशन को देखते हैं जो कि उस अटैक के लगने कारण बहुत ही दूर जाके गिर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो अटैक फिर से बस बेहोश पड़े सावशन को फिर से मार ही जा रहा था। और अब ये देखकर जियांग चुन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके बॉस का भी कोई ये हाल कर सकता है। और अब काफी देर के बाद वो अटैक शांत होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सावशन एक गड्ढे में पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर सावशन की आंखें तो खुली थी लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और अब ये देखकर मास्टर जाओ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि फाइनली सावशन मारा गया। और अब इतना सुनते ही जियांग चुन कहता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे बॉस इतनी जल्दी नहीं मर सकते। और अब सावशन के मरते ही सावशन की टीम में चार और मातम का माहौल छा जाता है और अब सावशन के मरने से सारे लोगों का भी हौसला बिल्कुल टूट जाता है। और अब सावशन के मरने से ब्लैकी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने नेक्स्ट फॉर्म में अपग्रेड हो जाता है और इसके साथ ही जिन लोगों ने ब्लैकी को रोका था उन सारे लोगों को ब्लैकी चबा डालता है। और अब ब्लैकी सावशन के पास आता है और फिर सावशन के बहुत ही ज्यादा करीब आते हुए ब्लैकी कहता है कि सच में मैं तो इसकी लाइफ फोर्सेस को फील नहीं कर पा रहा। और अब मास्टर जाओ हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने अपने सारे बेटों का बदला ले लिया। और इतना कहते ही मास्टर जाओ सावशन की बॉडी को एक किक मारता है और फिर मास्टर जाओ ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए थे सबको खत्म कर दो। और अब चूंकि सावशन के मर जाने से सारे लोगों का हौसला टूट चुका था इसीलिए सावशन की टीम के लोग भी अब मार खाए जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावशन के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है, जहाँ पर हम लुयन फी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरे अच्छे दोस्त देखो अंत में मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक ही तुम्हें बचाएगी। और तभी हम देखते हैं कि सावशन के अंदर रिवाइविंग स्पेल का फर्स्ट टर्न शुरू हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सावशन ने बैटल ग्राउंड में आने से पहले ही अपने अंदर लुयन फी का रिवाइविंग स्पेल एक्टिव कर लिया था। और जिन लोगों ने सारे एपिसोड को कम्प्लीट देखा होगा उन्हें पता होगा कि रिवाइविंग स्पेल कैसे काम करता है। और अब मास्टर जाओ सावशन के पास आते हुए कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जो तुम दूसरों से इतने ज्यादा पावरफुल थे। और अब मास्टर जाओ अपनी पावर से सावशन की बॉडी को टच ही करने जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावशन का फायर ऑरा एक्टिव हो जाता है। और अब ये देखने के बाद मास्टर जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो डरते हुए काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है। और अब सावशन के फायर ऑरा को देखने के बाद सारे लोग भी एकदम से शॉक हो जाते हैं और अब ब्लैकी भी फील करता है कि ये तो सावशन का ऑरा है जो कि फिर से एक्टिव हो चुकी है। और अब धीरे धीरे सावशन का ऑरा और भी ज्यादा फैलने लगता है और अब सावशन आसमान की ओर जाने लगता है। और अब आसमान में जाते ही सावशन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।